नमस्कार जी, कोपली सब चैनल यूट्यूब पे आपका सबका स्वागत। और आज एक मैं ऐसी महान हस्ती को आपके सामने ला रहा हूँ, योगराज शर्मा। आज मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में उनका जो नाम है, जो उन्होंने काम करे हैं, तो आज मैं योगराज शर्मा जी से मिलाता हूँ, जिन्होंने हमारी दिल्ली के जब दुकानों की सीलिंग हो रही थी और जब घरों में लोग सोचते थे कि हम फीस कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, शादियां कैसे करेंगे, घर की रोटी कैसे चलेगी, कपड़े लत्ते कैसे आएंगे, घर की ऐसी समस्याएं एक दुकानदारों को हो गई थी, तो वो योगराज शर्मा जी जो उस टाइम मीडिया में थे, और कौन से मीडिया में मुझे पता भी है, लेकिन मैं योगराज जी से पूरा पूछूंगा कि जब दिल्ली के खंडेलवाल जी थे और रमेश खन्ना जी, हमारे विजय पाल जी अवंतिका के प्रधान हैं, वो दिल्ली के नेता गुलशन सदेवा जी, दीपक गर्ग जी और तमाम, मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं जानता, और पूरे जो दिल्ली के नेता थे, मतलब सेवादार थे, नेता नहीं थे, दुकानदार सेवादार थे, तो उन्होंने हमारे लिए हमारे लिए लड़े। और उसमें योगराज जी का एक बहुत बड़ा दिल्ली में नाम है, और भी ये मीडिया का पत्रकारों का साथ था, लेकिन योगराज जी का मैंने जो देखा था एक बहुत बड़ा योगदान था हमारी दुकानदारों की हेल्प करने के लिए। तो योगराज शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कैसे की पत्रकारिता की, और कहाँ कहाँ पे आपने पत्रकारिता की? और पहले मैं आपको बता दूँ सभी भाइयों को कि आज योगराज जी के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में चैनल चलते हैं जी, आज की दिल्ली द 24/7 और आज की दिल्ली यूट्यूब में चैनल। अगर आप कोई भी, अगर कोई समस्या हो पत्रकारिता की जरूरत हो, तो योगराज से मिलना जरूर है। योगराज जी, अब आप बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की, कौन कौन से चैनल से की, और दुकानदारों की आपने हेल्प कैसे करी? देखिए, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो इस समय इस चैनल को देख रहे हैं। रही बात पत्रकारिता की शुरुआत की, तो 1995 में एक अखबार हमने लॉन्च किया था, हरी भूमि जिस अखबार का नाम था, उस अखबार से शुरुआत करने के बाद 99 में हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी अखबार में मैं क्राइम रिपोर्टर के रूप में जुड़ा, और पूरे बाहरी दिल्ली इलाके को जो है हमने कवर किया। कौन सी अखबार, क्या नाम? हिंदुस्तान अखबार के अंदर, हिंदुस्तान टाइम्स के। 2003 में मैं दैनिक भास्कर अखबार के अंदर आया और एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी मेरे पास थी। 2005 में सहारा टीवी का जो समय, सहारा समय एनसीआर चैनल था, उस समय जो है हमने करीब 14-14 घंटे लाइव कवरेज देकर उस समय हमने जो है वो रिपोर्टिंग की, और वही दौर था जिसका जिक्र आपने पोपली साहब किया, सीलिंग का दौर था और पूरे दिल्ली में उस समय सीलिंग चल रही थी, तो हम लोग कवरेज करने के लिए ज़्यादातर जाते थे, और जो ये व्यापारी नेता है आज काफ़ी अच्छा जिनका नाम है, वो सब इस संघर्ष में लगे हुए थे कि किसी भी तरह से दुकानदारों को बचाया जाए, सीलिंग रोकी जाए। उस रोकने की मुहिम में एज ए पत्रकार हम जो योगदान दे सकते थे हमने वो योगदान दिया, और लगातार वो सीलिंग रुकी, और फिर व्यापारी आज अपने पटरी पर लौट आए और वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखकर हमें खुशी होती है। तो 2005 के बाद 2008 में एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है इंडिया न्यूज़। जी हाँ, इंडिया न्यूज़ चैनल, वो जिसमें बाद में अब दीपक चौरसिया भी आए, उसके इनपुट हेड की जिम्मेदारी मेरे पास रही 2008 में। और 2010 में इंडिया न्यूज़ हरियाणा चैनल मैंने लॉन्च किया था, केवल 22 दिन के अंदर पूरा चैनल लॉन्च करने का जो है वो रिकॉर्ड कायम हुआ। उसके बाद 2011 में A to Z चैनल के एडिटर के रूप में काम किया, 2013 में हरियाणा न्यूज़ चैनल के एडिटर के रूप में काम किया, 2014 में MH1 चैनल के एडिटर के रूप में हमने काम किया। इस बीच में 2010 में हमने एक मैगजीन लॉन्च की थी जिसका नाम है आज की दिल्ली। आज की दिल्ली ऐसी मैगजीन थी जिसमें बॉलीवुड के करीब 300 से ज़्यादा लोग जुड़े, और उस मैगजीन के लिए कवर पेज किया नेहा धूपिया ने, एकता कपूर ने, बिपाशा बसु ने, ग्रेसी सिंह, जया बच्चन, हनी सिंह, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उस मैगजीन को सपोर्ट किया, और वो मैगजीन लगातार चलती रही। और आज वही मैगजीन अखबार के रूप में, जो पहले मंथली मैगजीन थी, अब वीकली अखबार के रूप में आज की दिल्ली अखबार इस समय पूरी दिल्ली का पहला अपना दिल्ली का अखबार है जो प्रिंट अखबार आता है। और इसके अलावा द 24/7 न्यूज़ चैनल जो है वो हमारा इस समय वर्किंग है। तो इस तरह से ये 95 से शुरू हुआ सफ़र,
करीब 28 साल की पत्रकारिता करते हुए इस समय आपके साथ। योगराज जी, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ ना एक टीम जुड़ी हुई है यूथ पत्रकारों की, और आप उनकी हेल्प करते हो। आपके पास मैंने देखा है आपके पास कई चैनल है, हमारी आशा जी है उनका भी एक चैनल है, क्या नाम है उनका? इंडियन न्यूज ऑनलाइन। इंडियन न्यूज क्या नाम है? ऑनलाइन, हाँ जी। तो वो आप एक टीम को हेल्प भी करती हो, ये आपका कंपटीशन नहीं हो जाएगा उनसे, कल को आपकी टक्कर में खड़े हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जहां आज मैं अगर 28 साल के करियर के साथ जहां मैं हूं, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही आगे होने वाला है। सब अपनी जगह काम कर रहे हैं पत्रकारिता जगत में, कोई चाहे छोटा अखबार निकालता है, कोई यूट्यूब चैनल निकालता है, या कोई राष्ट्रीय अखबार में काम करता है या नेशनल टीवी में काम करता है, पत्रकार सभी बराबर हैं। और दूसरी बात, आपने कहा यूथ मेरे साथ जुड़ा है, तो मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है, जर्नलिस्ट टुडे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़, जिसके अंदर हम मीडिया की स्टडीज़ कराते हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा, ये हम लोग जो है करवाते हैं, ताकि नए जो युवा रोजगार पाना चाहते हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स, उनको एक डिप्लोमा, उनको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो दिलाया जा सके। इस वजह से यूथ हमारे साथ रहता है और लगातार वो लोग काम करते हैं। सर योगराज जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपने दुकानदारों की बहुत हेल्प करी, क्या दुकानदार भी आपको आज याद करते हैं, आपका एहसान मानते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, प्यार करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ देखिए, किसी के लिए भी आप कुछ भी करोगे, दूसरा उसका जो है बदला जरूर देता है। अब भी व्यापारी नेताओं में से जो लोग मिलते हैं, आज वो बिल्कुल खुलेआम ये स्वीकार करते हैं। मेन कौन से मिलते हैं सर? बिल्कुल, इसी पिछले सप्ताह रमेश खन्ना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजौरी गार्डन मार्केट के व्यापारियों को लेकर, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू का दौर है, उधर से ऑड इवन है, दोनों तरफ की जो इस तरह की परेशानियां व्यापारियों को आ रही हैं, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने जब बुलाया, हमारी पुरानी बातचीत हुई, और इस तरह से लोग याद करते हैं। तो और दिल्ली में और कौन कौन से नेता आपको जानते हैं जो मतलब आपका वो प्यार, तो देखो आपको पूरी दिल्ली करती है, क्योंकि देखो सुनो योगराज जी, आपने एक पेट कहते हैं कि पीठ में लात मार लो सहन कर लेता है, पेट में लात सहन नहीं होती। आपने लोगों को, दुकानदारों को रोजी रोटी में हेल्प करी है, और आपका मेरे ख्याल इतनी बड़ी दुआएं जो दुकानदारों की लग रही है, और आपके 3-3 चैनल बन गए हैं, 2 इलेक्ट्रिक मीडिया के बन गए, और आज की दिल्ली आज इससे मशहूर है, और आपका 24/7 और आज की दिल्ली चैनल, तो ये कुछ अच्छाइयां करने से भी फायदा होता है। देखिए, ये अच्छाई करना जिसे आप लोग कह रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम हर उस व्यक्ति की मदद करें जिसे इस समय मीडिया की जरूरत है। हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, हम किसी का कोई मतलब कह सकते हैं कि फेवर नहीं करते। अगर वो परेशान है और उनकी परेशानी जायज़ थी, तो हमने उनका साथ दिया। जहाँ सरकार ठीक होती है, हम उस समय सरकार या प्रशासन का साथ देते हैं। तो योगराज जी, मैं एक चीज़ और कह, जैसे बॉर्डर पे मिलिट्री लड़ रही है, बॉर्डर पे मिलिट्री लड़ रही है, और राज्य में दिल्ली पुलिस है, वो हमारी मदद करती है, बॉर्डर पे मिलिट्री हमारी मदद करती है, जिसकी वजह से हम सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, और राज्य में पुलिस का काम होता है, लेकिन एक पत्रकार का भी एक ऐसा रोल है कि वो है तो पब्लिक की समस्याएं उठाती है, पब्लिक के बारे में सोचती है, क्या उनके बारे में भी गवर्नमेंट को कोई फ्लैट, कोई मदद, कोई हेल्प करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है मीडिया की, मीडिया में जब हम लोग आते हैं तो इसको हम कोई नौकरी या जॉब समझ के नहीं आते। पत्रकारिता एक मिशन है, एक जुनून है, जो अगर अंदर है तब कोई भी युवा इस पत्रकारिता के अंदर आए, ये सोचकर बिल्कुल इस फील्ड में नहीं आना कि इसमें बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत नाम तो मिल सकता है, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोठी बंगले गाड़ियाँ की उम्मीद करने वाला कोई भी व्यक्ति इस पत्रकारिता के अंदर ना आए। जहाँ तक बात की आपने सरकारी मदद की, तो कई राज्यों में जैसे हरियाणा और राजस्थान ने पत्रकारों के लिए बकायदा एक जमीन देकर वहाँ जो उनको सब्सिडी दी, और बहुत सस्ते दरों पर मकान या फ्लैट्स भी दिलाए हैं। तो ऐसी कोशिशें दिल्ली में भी हुई थी, कुछ अपार्टमेंट हैं, जैसे समाचार अपार्टमेंट है मयूर विहार की तरफ, जो बहुत पुरानी सरकारों ने उस समय काम किया, लेकिन अब क्योंकि जमीन LG के अंडर आ गई है, सरकारों का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहा है, और पत्रकारों की एकजुट ना होना भी इसका कारण है, लेकिन जरूरत सबको है, परेशानी सबको है। अच्छा योगराज जी, एक बताओ
तो जो नए अखबार वाले हैं, जैसे नया पेज छपता है कोई, नया अखबार शौक है सबको, पत्रकार बनता है वो कहता है मेरी अखबार भी होनी चाहिए, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐड नहीं मिलती। तो मैं सभी दुकानदार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भी एक मिशन है पत्रकारिता का, हमें आज योगराज जी कह रहे थे ऐसी बातें नहीं बोलनी, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें एक अखबार वालों को ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारे मिशन है और हमारे लिए हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए, और जिनकी अखबार चल रही है हमें दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि इनके साथ हम जुड़ें और अपना ऐड भी करें और ऐड से हमें फ़ायदा भी होगा, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है योगराज जी? देखिए, कोई भी संस्थान है, चाहे वो टीवी चैनल है या कोई अखबार है, विज्ञापन के बिना नहीं चल नहीं सकता। विज्ञापन की लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक मार्केटिंग टीम है जो विज्ञापन विभाग अलग चलाती है, हम एडिटोरियल वाले व्यक्ति जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हमारा काम समाचार इकट्ठे करना होता है, विज्ञापन लाना हमारी मार्केटिंग टीम का काम है, वो उनको व्यापारियों को या जो कंपनी कॉरपोरेट्स हैं उनको उस विज्ञापन से होने वाला फायदा बताएंगे, तब वो उनको विज्ञापन मिलेगा। हालांकि दोनों विभाग अलग अलग हैं, लेकिन जब कोई एक छोटा अखबार या छोटा चैनल शुरू होता है तो उसे दोनों जिम्मेदारियां खुद निभानी पड़ती हैं, तो ऐसे में हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि उसे विज्ञापन भी मिले ताकि वो अच्छे से अच्छे समाचार लाकर आम जनता के सामने ला सके। तो ये हमारे योगराज शर्मा जी, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं पिछले 25 साल से इनको जानता हूँ, सुख दुख में वैसे भी एक दूसरे के साथ होते, खाली पत्रकारिता नहीं, वैसे भी समाज में किसी को सुख दुख हो तो योगराज शर्मा जी एक ऐसा रोहिणी में नाम है, दिल्ली में नाम है, कि आम पब्लिक की वैसे भी एक सोशल मदद भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज योगराज शर्मा जी के आपको विचार कैसे लगे, और हम और पत्र आज तक आपने पत्रकारों को इंटरव्यू लेते देखोगे, आज पहली बार हम दूसरी बार, पहले हरीश चोपड़ा जी का लिया, पंजाब केसरी के लिए, आज योगराज जी का लिया, तो योगराज जी एक ऐसे शख्स हैं जो पत्रकारिता के अलावा वैसे भी समाज में दुकानदारों की, आम आदमी की मदद करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें योगराज जी के कैसे हैं, और जब मेखल दिल्ली के ज़्यादातर दुकानदार योगराज जी को जानते हैं। तो अच्छा दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी।